मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज डेट है हमारी 4 फरवरी 2022। डे हमारा फ्राइडे है। ये हमारी होमवर्क शीट नंबर 25 है, क्लास 2 की, सब्जेक्ट जीके और कंप्यूटर। ये हमारी रिवीजन वर्कशीट है। तो चलिए अब हम अपनी रिवीजन वर्कशीट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द स्पेलिंग्स। आपको स्पेलिंग्स कंप्लीट करनी है। ये क्या है? CPU MOUSE, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर। ये क्या है? म्यूजिक, गेम्स, टाइप, मशीन, कीबोर्ड। ठीक है, ये हमने ऐसे स्पेलिंग कंप्लीट कर देनी है। क्वेश्चन 2, मैच द फॉलोइंग। आपको कैसे मैच करना है? ये हार्डवेयर पार्ट्स हैं, ये सॉफ्टवेयर पार्ट्स हैं। हार्डवेयर से जो ये पार्ट्स हैं, इनमें कुछ पार्ट्स हार्डवेयर हैं, कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। सीपीयू क्या है हमारा? हार्डवेयर। कीबोर्ड हार्डवेयर। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर। ब्राउजर सॉफ्टवेयर। विंडो, जो विंडो है वो सॉफ्टवेयर है। माउस हार्डवेयर। प्रिंटर हार्डवेयर। फेसबुक सॉफ्टवेयर। जो भी हमारी ऐप है ये किस में आती है? सॉफ्टवेयर से। क्वेश्चन 3, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करनी है। कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर फास्ट, फास्ट या स्लो। तो कंप्यूटर वर्क करता है फास्ट, तो फास्ट। अ डैश इज अ कंप्यूटर डैट इज प्लेस्ड द डैश। जो डेस्क पे रखा जाता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है? डेस्कटॉप। डैश इज लाइट इन वेट, टैबलेट और डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो कौन सा है जो लाइट होता है वेट? तो टैबलेट होता है ना, टैबलेट वो। क्वेश्चन 4, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है जो लोयन है। लोयन का बेबी क्या होता है? कब। डियर के बेबी को क्या बोलते हैं? फोन। एलिफेंट के बेबी को काल। हॉर्स के बेबी को फोल। शिप के बेबी को लैम। क्वेश्चन 5, टिक द करेक्ट आंसर। आपको सही आंसर लिखना है। इट कैन फ्लाई, फिश, हॉर्स या क्रो। इन तीनों में से कौन फ्लाई कर सकता है? तो क्रो। इट इज अ फ्रूट, जैक फ्रूट, राइस, व्हीट। तो ये तो अनाज है, तो ये जैक फ्रूट। डैश इज अ फाउंड इन फेरीलैंड। फेरीलैंड में क्यों है? स्पाइडरमैन, प्रिंसेस या डॉक्टर? तो प्रिंसेस। क्वेश्चन 6, आंसर टाइम। व्हाट आर द कलर्स इन इंडियन फ्लैग। जो हमारा इंडिया का फ्लैग है उसमें कौन कौन से कलर हैं? तो फर्स्ट हमारा क्या आता है सबसे टॉप पर? ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। ये तीन कलर्स होते हैं। हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। हमारे कितने स्टेट्स हैं? तो हमारे कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हमारे देश में? तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, तो 9 आएगा। ठीक है, ये हमारी रिवीजन वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।